La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير العمل أدومها خير الأعمال أدومها وإن قل أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی درجے میں اصلاح نفس کی فکر عطا فرمائی. ہماری اندر سے یہ چاہت ہے کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے, ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے, ہماری روح پاکیزہ ہو جائے. اور اللہ تعالی شانہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے یہ احساس عطا فرمایا ہے کہ دل ہمارا پاکیزہ نہیں ہے. نفس ہمارا پاکیزہ نہیں ہے, روح ہماری پاکیزہ نہیں ہے, اور اسے اصلاح کی ضرورت ہے, تزکیہ کی ضرورت ہے, درستگی کی ضرورت ہے, صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالی شانہ کے بے شمار احسانات میں سے یہ دو احسان بھی بڑے عظیم ہیں. ایک یہ کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارا دل پاکیزہ نہیں ہے, ہمارا دل صاف ستھرا نہیں ہے, ہمارا نفس جو ہے وہ پاکیزہ نہیں, صاف ستھرا نہیں, ہماری روح ابھی پاکیزہ نہیں ہے, صاف ستھری نہیں ہے, تزکیہ کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے, درستگی کی ضرورت ہے, اچھا بنانے کی ضرورت ہے. دل سے, نفس سے, روح سے گندگیوں کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور اچھی چیزوں سے دل کو, نفس کو, روح کو آراستہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو احسانات ہیں, ایک یہ کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ اصلاح ضروری ہے,
तज़किया जरूरी है, इसके बगैर काम होगा नहीं। इसलिए कि हक ताला शानहू ने 11 कस्में खाई, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها। ये 15-11 कस्में खाई और 11 कस्में खाकर अल्लाह ने ये फरमाया, قد أفلح من زكاها, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स जिसने नफ्स को साफ सुथरा बना लिया। तो 11 कस्में खाई। कुरान मजीद में किसी बात को मुअक्कद करने के लिए, किसी बात को एम्फसाइज करने के लिए इतनी कस्में कहीं नहीं खाई गई। 11 कस्में खाई और 11 कस्में खाकर अल्लाह ताला शानहू ने दो बातें बयान फरमाई, सिर्फ एक नहीं। हम पहली बात पर ही रुक जाते हैं, इसलिए हमें इस तज़किया को और इस इस्लाह के काम को जितनी अहमियत देनी चाहिए वो नहीं देते। अगर पहली बात के साथ दूसरी बात भी जहन में रहती तो हम ज्यादा अहमियत देते। कद अफलह मन जक्का, बेशक तहकीक के यकीनन कामयाब हो गया वो शख्स जिसने नफ्स को साफ सुथरा बना लिया। दिल में, नफ्स में जितनी गंदगियां थी, जितनी बुराइयां थी, उन सब को दूर कर दिया, निकाल दिया और अच्छाइयों से नफ्स को, दिल को आरास्ता कर लिया। नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमईना बना लिया। कामयाब हो गया वो शख्स जिसने नफ्स को साफ सुथरा कर लिया। इसका मतलब है कि नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमईना बना लिया। और दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई, यहां तक हम जाते ही नहीं, कद अफलह मन जक्काह पर रुक जाते हैं। दूसरी बात यह फरमाई कि वकद खाब मन दस्साह, और तहकीक के जिसने अपने नफ्स को गंदा कर लिया, उसने नुकसान उठाया, वो खसारे में पड़ गया, वो घाटे में पड़ गया। जिसने नफ्स को साफ सुथरा कर लिया वो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप उसे हासिल कर ले तो कामयाब, और अगर हासिल न करें तो नाकामी नहीं होती। ये अमीर बन गया, मिलियनेयर बन गया, तो माल हासिल करने के एतबार से ये कामयाब हो गया। पर मैं और आप मिलियनेयर नहीं है, मगर न हम खुद को नाकाम समझते हैं न दूसरे हमें नाकाम समझते हैं। हम भी कामयाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर चुके होंगे, मगर हम नाकाम नहीं हैं। एक शख्स मुल्क का वजीर आजम बन गया कि ये कामयाब हो गया। तो जो लोग वजीर आजम नहीं बनते वो अपने को नाकाम नहीं समझते हैं। तो कुछ काम वो होते हैं कि अगर हासिल हो गए या उस काम को कर लिया तो कामयाब, और नहीं किया तो नाकाम नहीं। ये
इसलिए एक शख्स आलिम बन जाता है तो अगर आलिम हो गया तो कामयाब है, बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन दूसरा शख्स आलिम नहीं बना लेकिन अच्छा मुसलमान रहा, उसे जितने इल्म की जरूरत पड़ती है वो उलमा से हासिल कर लेता है और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वो खुद को नाकाम नहीं समझता, हम महरूम समझता है कि काश के मेरे पास भी इतना इल्म होता लेकिन मैं नाकाम नहीं हूं। तो कुछ चीजें वो हैं कि अगर हासिल हो जाए तो कामयाब, हासिल ना हो तो नाकाम नहीं, और कुछ चीजें वो से है कि अगर हासिल हो गई तो कामयाब और हासिल नहीं हुई वो चीज तो नाकाम। घर में भूख है, प्यास है, फाका है, 3 दिन गुजर गए हैं और ये शख्स बाहर निकलता है, अब यह मिलियनर की बात नहीं है, ये सिर्फ 5 पाउंड की तलाश में निकला है। अगर 5 पाउंड लेकर घर में आता है तो कामयाब, और अगर 5 पाउंड भी न मिल सके तो नाकाम, इससे कि घर वाले मर जाएंगे। ईमान अगर है तो कामयाब, ईमान नहीं है तो नाकाम। हुस्ने खातिमा है तो कामयाब, हुस्ने खातिमा नहीं है तो नाकाम। तो इसी तरह अगर तज़किया हो गया तो कामयाब और तज़किया नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नाकाम। वक़द ख़ाब मन दस्सा, तहकीक के नाकाम हो गया, खसारे में पड़ गया, घाटे में पड़ गया, और ये घाटा और ये खसारा दुनिया का नहीं, दुनिया के साथ आखिरत का भी, असल खसारा आखिरत का है, जिसने उसे गंदा कर दिया। सब्र होना चाहिए था तो सब्र की जगह पे बेसब्री ले आया और बेसब्री लाकर उसने अपने दिल को गंदा कर दिया। दिल में शुक्र होना चाहिए था, शुक्र की जगह पर नाशुक्री ले आया और दिल को गंदा कर दिया। दिल में तवाजु होनी चाहिए थी, तवाजु की जगह पर तकब्बुर ले आया और दिल को गंदा कर दिया। दिल में जुदो सखावत होनी चाहिए थी लेकिन जुदो सखावत की जगह पर बुखल ले आया, दिल को गंदा कर दिया। ऐसा शख्स नाकाम। और जो शख्स इसमें कामयाब हो जाए कि बेसब्री को निकालकर उसकी जगह पे सब्र को ले आए, नाशुक्री को निकालकर उसकी जगह पे शुक्र को ले आए, तकब्बुर को निकालकर उसकी जगह पे किब्र को तवाजु को ले आए, बुखल को निकालकर उसकी जगह पर सखावत को ले आए, दुनिया की मोहब्बत को निकालकर उसकी जगह पर जुहद को ले आए, दुनिया से बेरगबती, गफलत को निकालकर उसकी जगह पे अल्लाह की याद को दिल में बसाए, ये शख्स कामयाब है। इसलिए कि इसने गंदे दिल को, गंदे नफ्स को पाकीजा कर लिया। अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं, वो मैं यातिही मुमिनन कद अमिल सालिहात, जो शख्स अल्लाह ताला शानहु के पास आएगा मुमिनन, मोमिन बनकर ईमान की हालत में, कद अमिल सालिहात और आमाल सालिहा के साथ, इस हाल में कि उसने आमाल सालिहा किए हैं, फौलाइक लहुमुद दरजातुल उला, तो ऐसे लोगों के लिए आखिरत में ऊंचे ऊंचे दर्जे होंगे, जन्नत आदनी तजरी, हमेशा हमेश के बागात, तजरी मिन तहतिहा अलनहार, जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फिया, उसमें वो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, वमा हुम अन्हा बिमुखरजीन, उसमें से कभी भी उनको निकाला नहीं जाएगा, मनमानी करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे, उसके बावजूद भी उनको निकाला नहीं जाएगा। वहां कोई कैद नहीं होगी कि यहां के ये रूल्स हैं और ये कवानीन है, जो चाहे करो।
वफीहा मातश्तहील अनफुस, जन्नत में वो चीजें होंगी जिनको नफ्स चाहेंगे, जिनकी नफ्स ख्वाहिश करेंगे, वहां मनमानी होगी। मनमानी, मन जो चाहे, नफ्स जो चाहे। ये नफ्स की चाहतें पूरी करने की जगह तो जन्नत है, दुनिया नहीं। दुनिया रब मानी के लिए है और जन्नत मन मानी के लिए है। जो दुनिया में रब मानी करता है वो आखिरत में मन मानी करेगा, और जो दुनिया में मन मानी करता है वो आखिरत में रब मानी करेगा, वहां फिर उसकी नहीं चलेगी। अल्लाह उसके लिए जो फैसला फरमाएंगे वही होगा। वफीहा मातश्तहील अनफुस, जन्नत में वो चीजें होंगी जिनकी नफ्स ख्वाहिश करेंगे। और वफीहा मा, ये मा आम है, उसमें वो सारी चीजें होंगी, वो सारी चीजें जिनकी नफ्स ख्वाहिश करेंगे। वह तलद्दुल आयुन, और जन्नत में वो चीजें होंगी जिन्हें देखकर आंखों को लज्जत महसूस होगी। वलकुम फीहा मातश्तही अनफुसुकुम, तुम्हारे लिए जन्नत में वो चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं जिनकी तुम्हारे नफ्स ख्वाहिश करेंगे। वलकुम फीहा मातद्दऊन, और तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें हैं जिनको तुम मांगोगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी बहुत ज्यादा रहम करने वाले, बख्शने वाले अल्लाह की तरफ से। वलहुम फीहा मिन कुल्ली समरात, उनके लिए जन्नत में हर किस्म के फल और मेवे होंगे। तो दुनिया में रहते हुए, दुनिया में रहते हुए जो शख्स इस नफ्स को ठीक कर लेता है, नफ्स अम्मारा जो हर वक्त हमें गुनाहों की तरफ ले जाता है, गुनाहों की तरफ ले जाता है, अंदर से ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, नहीं नहीं ये गलत है, हम अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं फिर भी वो रुकता नहीं, ये नफ्स अम्मारा है। इस नफ्स को सुधारने की जरूरत है, और इस सुधारने का नाम ही तज़किया है। नफ्स को सुधारने का नाम तज़किया है। ये जो प्रोसेस है कि नफ्स को नफ्से अम्मारा से नफ्से मुतमइन्ना बना दे, नफ्से अम्मारा और नफ्से मुतमइन्ना ये दो एक्सट्रीम है। नफ्से अम्मारा की खासियत क्या है कि वो हर वक्त बुराई की तरफ जाता है और भलाई की तरफ कभी नहीं जाता, भलाई की तरफ कभी नहीं जाता। शाज और नादिर कभी कोई अच्छा ख्याल आ जावे, वरना नहीं। उसको लत लग जाती है उन कामों की जिनसे अल्लाह नाराज होता है। शराब की लत लग जाती है, ड्रग की लत लग जाती है, गीबत की लत लग जाती है, एडिक्शन, लत का माना एडिक्शन, गीबत की, बदनजरी की, औरतों को झांकता रहता है और औरतें जो है वो मर्दों को झांकती रहती हैं। अगर रियल लाइफ में ना हो तो अखबारों में, मैगजीन्स में, बिलबोर्ड्स पर, पोस्टर्स पर, वहां नहीं तो टेलीविजन पर, फिल्मों में, वहां नहीं तो अपने मोबाइल पर। और ये लत जो है वो तरक्की करती रहती है, बुरी आदत भी तरक्की करती है और अच्छी आदत भी तरक्की करती है, बुरी आदत भी तरक्की करती है और अच्छी आदत भी तरक्की करती है। नफल पढ़ने की आदत नहीं तो ये नफल छोड़ने की आदत, ये तरक्की करेगी, तरक्की करेगी, सुन्नत भी छूटेगी, फिर ये तरक्की करेगी वाजिब नमाज छूटेगी, फिर ये तरक्की करेगी फर्ज भी छूटेगी, फर्ज नमाज भी छूटेगी।
और अच्छी आदत जो है वो भी तरक्की कर दी है। अच्छी आदत, आपने मुदावमत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो आज 100 दफा पढ़ रहे हैं तो कुछ अरसे के बाद 200 हो जाएगी ताकत, कुछ अरसे के बाद 300, कुछ अरसे के बाद 500। अभी जिक्र कर रहे हैं, जिक्र अभी जिक्र कर रहे हैं। तो वो जिक्र जो है, वो जिक्र तीसरा कलिमा 100 मरतबा पढ़ रहे हैं, कुछ अरसे के बाद तीसरा कलिमा भी हो रहा है और कलिमा तैयबा भी हो रहा है, और कुछ अरसे के बाद इस्तिगफार भी हो रहा है, कुछ अरसे के बाद दुरूद शरीफ भी हो रहा है। हजरत मौलाना बदर आलम साहिब मीरठी रहीमहुल्लाह ताला, गालिबन उन्हीं का वाकिया है, हजरत मौलाना बदर आलम साहिब मीरठी रहीमहुल्लाह ताला, और उनके वालिद जो हैं वो आलिम नहीं थे, गालिबन पुलिस अफसर थे, आलिम नहीं थे, लेकिन जिक्र की उन्होंने आदत डाली तो तरक्की करते 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 इस हद तक पहुंच गए कि रोजाना इसमें जात अल्लाह 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 रोजाना 125,000 मरतबा पढ़ते थे, 125,000 टाइम्स सिर्फ इसमें जात। तो नफ्से अम्मारा जो है, नफ्से अम्मारा उसका रुझान सिर्फ बुराई की तरफ, अच्छाई की तरफ नहीं, वो अच्छाई की तरफ खुद नहीं जाएगा, समझे, उसे आपको मजबूर करके अच्छाई की तरफ लाना पड़ेगा। जैसे एक जानवर है, जानवर एक घोड़ा है, आप उस पर सवारी करना चाहते हैं और घोड़ा, घोड़े को घास नजर आ गई तो अब वो घास की तरफ जा रहा है और आप उसे उस पर सवारी करके कहीं जाना चाहते हैं तो उसे मुड़ना पड़ेगा आपको, और मुड़ करके इस तरफ उसका रुख करना पड़ेगा ताकि उसकी तवज्जो हट जावे वहां से, और एक मरतबा वहां से तवज्जो हट गई और आप उस पर सवार हो गए और उसने चलना शुरू कर दिया, फिर ये सीधा चलता रहेगा। तो नफ्से अम्मारा जो है वो जाएगा बुराई की तरफ, बुराइयां जो है उसे सब्ज घास की तरह नजर आती हैं, बुराइयां उसे बहुत मीठी मीठी नजर आती हैं। जैसे छोटा बच्चा है तो दूध छुड़ाने की उम्र उसकी आती है, उससे पहले ही मां उसे दूध छुड़ाना शुरू कर देती है, 1.25 साल 1.5 साल का हो जाता है तो फिर दूध छुड़ाना शुरू करती है मां, तो दूध छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि अगर आप गौर करें तो अब जिस उम्र को यह पहुंच गया है तो इस उम्र में मां के दूध में वो मजा नहीं है जो रोटी में है और गोश्त में है और शोरबे में है, लेकिन नहीं, जब लत पड़ जाती है किसी चीज की तो बेलज्जत चीज भी लजीज मालूम होती है। ये बीमारी है, ये सेहत नहीं है, बीमारी है। तो इस छोटे बच्चे को जो जो लत पड़ गई है मां के दूध की, उसे सेहत की तरफ लाने के लिए और उसे रागिब करने के लिए ऐसी चीजों की तरफ जिनकी इसको जरूरत भी है और जो इसके लिए जरूरी भी है, अगर ये मां का दूध पीता रहेगा तो इसकी नशोनुमा नहीं होगी। 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल तक अगर मां की छाती से दूध बहता रहे और ये उसी पर इक्तिफा करता रहे, इसकी नशोनुमा नहीं होगी। सेहत के लिए उसे अब दूसरी चीजें जरूरी, दूसरी चीजों की जरूरत है। तो मां उसे ये जो बीमारी हो गई है, उसको एक लत पड़ गई है मां के दूध को पीने की, उसकी तरफ से मोड़ती है और मोड़ करके उसे मजबूर करती है। किस बात पर मजबूर करती है? गोश्त खाने पर, रोटी खाने पर। शुरू में नरम नरम चीजें होती हैं, सूप होता है और नरम नरम चीजें धीरे धीरे, और अपने बच्चे को रोते हुए देखकर,
अपने बच्चे को दूध की तलब करते हुए देखकर, अपने बच्चे को दूसरी गिजा न खाते हुए देखकर मां को वो तकलीफ होती है जो नफ्से अम्मारा को जीना छोड़ने पर नहीं होती, जो नफ्से अम्मारा को ड्रग छोड़ने पर नहीं होती, मगर मां जज्बाती नहीं बनती, अकल से काम लेती है, इमोशनल नहीं होती, वो इंटेलेक्चुअल होती है। अगर वो जज्बाती हो जाती है तो बच्चा नुकसान में रहेगा, और बच्चा अगर नुकसान उठाएगा तो खुद भी नुकसान उठाएगी आगे जाकर के। इसलिए वो अकल से काम लेती है कि नहीं, मेरे बेटे के लिए ये मुझे अपने दिल पर पत्थर भी रखना पड़े तो मैं पत्थर रखूंगी, मगर नहीं, मेरे बेटे को यही खाना पड़ेगा। इसी तरह मेरे भाइयों, हमारे अंदर भी एक चीज है जिसे नफ्स कहते हैं, और जब वो नफ्स अम्मारा होता है तो वो नादन बच्चे की तरह होता है। जैसे वो बच्चा मां के दूध ही की तरफ जाता है, हालांकि वो उसके लिए मुफीद नहीं, मुजीर है, अब पहले मुफीद था अब मुजीर है, मगर वो समझता नहीं। इसी तरह नफ्स अम्मारा जो है वो नादन होता है, चाहे वो 60 साल के बूढ़े का नफ्स हो। नफ्स अगर अम्मारा है तो 60 साल के बूढ़े का नफ्स हो, 70 साल के बूढ़े का नफ्स हो, वो नादान ही होता है। वो अपना नफा नुकसान नहीं पहचान सकता, वो सिर्फ लज्जत को देखता है, मुझे मजा आता है। जैसे वो बच्चा कि इसमें मजा आता है उसमें नहीं, वो नफे नुकसान को नहीं देखता। तो नफ्स अम्मारा नफे नुकसान को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि मुझे इसमें लज्जत आती है, इसमें लज्जत आ रही, इसमें लज्जत आ रही है। तो ये अंदर हमारा जो नफ्स नफ्से अम्मारा है, ये बमंजले बच्चे के हैं, और हम जिनका ये नफ्स है बमंजले मां के हैं। हमें मजबूत रहना पड़ेगा, और मजबूत रह करके इस नफ्स को रोकना पड़ेगा, चाहे उसकी वजह से हमें कितनी ही तकलीफ क्यों महसूस न हो। जैसे मां को तकलीफ महसूस होती है मगर वो मजबूत रहती है, हमें भी मजबूत रहना पड़ेगा कि ना, इस लज्जत के करीब में नहीं जा सकता, शहवत रानी के पास में नहीं जा सकता, बदनजरी की तरफ में नहीं जा सकता, फिल्मों की तरफ में नहीं जा सकता, मूसीकी की तरफ में नहीं जा सकता, जितने भी ख्वाहिशात के गुना हैं उन सब का यही हाल है। नफ्स चाहता है, वो बच्चा है, हम उसके लिए बमंजले मां के हैं। अगर हमने मां बनकर इस नफ्स की, जो कि बच्चा है, हिफाजत नहीं की, तरबियत नहीं की, उसके रुख को और डायरेक्शन को नहीं बदला, तो एक वक्त आएगा कि वो नफ्स भी जहन्नम में जलेगा और उसकी वजह से हमारा भी नुकसान होगा, हम भी जहन्नम में उसकी वजह से जाएंगे। और जब ये बच्चा मशक्कत से उसे गुजारा जाता है, मां उसे, वो खुद मशक्कत बर्दाश्त नहीं करता, मां उसे गुजारती है, और मां जब उसे मशक्कत से गुजारती है तो मां को भी मशक्कत होती है, दुख होता है मां को अपने बच्चे को देखकर इस हालत में। तो जब हम नफ्स को मशक्कतों से गुजारते हैं तो हमें भी मशक्कत महसूस होगी, लेकिन एक मरतबा इस मशक्कत से हम नफ्स को गुजारते हैं और हम उस मशक्कत को बर्दाश्त कर लेंगे, और एक मरतबा नफ्स सही गिजा का आदि हो जाएगा, नमाज का आदि हो जाएगा, जिक्र का आदि हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का आदि हो जाएगा, अच्छी सही गिजा का आदि हो जाएगा। तो जैसे बच्चा जब उसकी उम्र के हिसाब से जो गिजा है उसका आदि हो जाता है, उसके बाद उसके सामने पूरा जग भर करके भी अपनी मां का दूध रखो, वो पीने के लिए तैयार नहीं होगा, अब उस तरफ नहीं जा सकता, वो उसकी तबीयत उसकी तरफ रागिब नहीं होगी। तो एक मरतबा ये नफ्स जब आदी हो जाता है सही खुराक का, तो उसके बाद वो गुनाहों की तरफ कभी नहीं जाएगा। उसके सामने अगर आप वो गिजा पेश भी करेंगे तो वो नहीं लेगा। ऐसे तारीख में बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार वाकयात कि नाजायज चीज पेश की गई, बहुत लजीज, लेकिन नफ्स चूंकि सियाना हो चुका था, वो समझ रहा था कि ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं,
हजरत सुलेमान इब्ने यसार रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की आई मकाम अबवा में। अब उमरे के लिए हज के लिए जा रहे थे, बड़े दर्जे के आदमी है सुलेमान इब्ने यसार रदी अल्लाह रहिमहुल्लाह तआला, मक्का मुकर्रमा के फुकहाए सबा में से है, साथ बड़े बड़े फुकहा थे। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो तो इल्मी मरकज था उस जमाने में, तो उस इल्मी मरकज में फुकहा कितने होंगे और कितने ऊंचे ऊंचे दर्जे के एकेडमिक्स वहां आते होंगे उस जमाने में। उनमें वो सारे बड़े बड़े फुकहा जो वहां रहते हैं, उनमें जो टॉप 7 थे उनमें सुलेमान इब्ने यसार। मगर मैं हमेशा हमारे तलबा को और हमारे इल्मी दोस्तों को कहा करता हूं कि हमारे असलाफ की जिंदगियों पर अगर आप नजर डालेंगे तो ये हमें बिल्कुल नुमाया तौर पर नजर आएगा कि जो इल्म में जितना ऊंचा था अमल में भी उतना ही ऊंचा था। वहां ये फर्क नहीं था कि ये आलिम बामल है और ये आलिम बामल नहीं, वहां ये फर्क नहीं था। जो जितना इल्म में ऊंचा होता था अमल में उतना ही ऊंचा था। ये सुलेमान इब्ने यसार बड़े खूबसूरत भी थे, जवान भी थे, उनकी खूबसूरती को देखकर ही तो वो बच्ची जो टीले के ऊपर जिसका घर था उसके नीचे नजर पड़ी सुलेमान इब्ने यसार रहिमहुल्लाह तआला पर। ये दो साथी थे, इन्होंने अपने साथी से कहा कि तुम बाजार में जाकर कुछ खाने पीने की चीजें ले आओ, इतनी देर में मैं सामान को दुरुस्त करता हूं। खेमा लगाया और खेमे के अंदर जो है थोड़ी देर के बाद वो अंदर घुस गई। वो फरेफ्ता हो गई थी आपके चेहरे को देखकर, आपकी खूबसूरती को देखकर, मगर मौका ढूंढ रही थी। तो देखा कि वो साहिब तो जा रहे हैं, तो उसे अंदाजा हो गया उस जमाने के एतबार से कि इतनी देर तो इनको लगेगी आने में। वो हमारे जमाने की तरह तो नहीं था ना कि 2 मिनट में शॉप में गए और आ गए, और उसने दाएं बाएं आगे पीछे देखा कि कोई देख नहीं रहा है, वो घुस गई अंदर। कहा कि तू कौन है नीचे, उन्होंने नजर नीची कर ली, निगाहें नीची कर ली, और कहा कि तू कौन है और क्यों आई है। तो कहा कि मैं एक हाजत लेकर आई हूं, तो आपने इधर उधर देखा कि कुछ खाने पीने की अगर चीज है तो इसे दे दे। तो कहा कि नहीं, ये हाजत नहीं, मैं वो हाजत लेकर के आई हूं जो एक औरत को एक मर्द से होती है। तो बहुत रोना शुरू कर दिया आपने, बहुत रोया, बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। जैसे कोई खतरनाक चीज सामने आ जाती है और हम घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं, ऐसे रोना आ गया उनको कि ओह ये तो बड़ी आजमाइश का मामला आ गया, जहन्नम मेरे सामने है, अगर मेरी मुझसे गलती हो गई। तो बहुत रोए। जब उसने देखा कि ये तो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, तो उसे ख्याल आया कि यहां से अगर कोई गुजर रहा होगा वो अंदर दाखिल हो जाएगा, मुझे देख लेगा कि ये यहां क्या कर रही है, तो वो भाग गई वहां से। और खौफे इलाही से कुछ देर तक रोते रहे। एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया, 1.5-2 घंटे के बाद तकरीबन होगा, उनका साथी आया, अस्सलाम वालेकुम सलाम, आंखें देखकर कहने लगा कि भाई तुम्हारी आंखें बहुत लाल है, क्या हुआ। तो कहने लगा कुछ भी नहीं, कहने लगे कुछ भी नहीं, कहा कि नहीं कुछ तो है। तो कहने लगे कि बीवी बच्चे याद आए इस वजह से रो रहा था। तो कहा नहीं, मैं तुम्हें पहचानता हूं तुम्हें, पहले भी तो हमने सफर साथ किए हैं, तुम भी बच्चों की खातिर रोए ऐसे नहीं है, और इतना रोए ऐसा भी नहीं है, और फिर हरम शरीफ जा रहे हैं, सच बताओ। तो उन्होंने पूरा वाकया सुनाया। वाकया जब सुन लिया उनके दोस्त ने, तो जाहिर है कि वो उस दर्जे के तो नहीं थे, मगर सुलेमान इब्ने यसार रहिमहुल्लाह तआला के साथी थे, तो खास साथी में भी तो कुछ होगा ना। वो रोने लगी और बहुत रोई, वो भी धड़े मार मार कर रोई। तो इन्होंने पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। तो कहा मैं इस बात पर रो रहा हूं कि बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी जगह पर नहीं था, पता नहीं मेरा क्या होता। और फिर ये गए और हज या उम्रे से फारिग हुए, और एक दिन हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठे हुए थे, और वहां इन पर नींद तारी हुई सुलेमान इब्ने यसार रहिमहुल्लाह तआला। तो ख्वाब में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, जिनका वाकया जुलेखा के साथ इसी किस्म का है।
और पहले मेरे जहन में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही का वाकया आया, लेकिन पैगंबर का नफ्स तो मुतमईन होता ही है, इसलिए मैं उम्मती का वाकया बयान करना चाहता था। सुलेमान इब्न यसार रहिमहुल्लाह ताला, तो ख्वाब में देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कहा गया आप बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह, कौन है आप? तो कहा मैं यूसुफ हूं। तो कहा कि यूसुफ अस्सिद्दीक, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, कुरान में उनको यूसुफ अस्सिद्दीक कहा गया। कहा कि जी हां मैं यूसुफ अस्सिद्दीक हूं। तो कहा कि जुलेखा के साथ आपका वाकया बड़ा अजीब है, जुलेखा के साथ आपका जो वाकया हुआ था वो बड़ा अजीब है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबवा वाली औरत के साथ तुम्हारा जो वाकया हुआ वो उससे भी ज्यादा अजीब है, इसलिए कि मैं तो पैगंबर हूं और पैगंबर तो हिफाजत के हिसार में होता है, और तुम गैरे नबी हो और गैरे नबी किसी किस्म की हिफाजत के हिसार में नहीं होता, उसके बावजूद भी तुमने अपने आप पर काबू रखा। कहा कि तुम्हारा अबवा वाली औरत के साथ वाकया मेरे वाकये से और ज्यादा अजीब है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों कि ये जो नफ्से अम्मारा है वो हमेशा वो नादान है, तो नादान है तो वो बहुत ही गंदी चीजों की तरफ जाएगा, गंदी चीजों की तरफ। अल्लाह ताला शानहू की हराम की हुई ये सारी चीजें गंदी है, और अल्लाह ताला शानहू ने जिन चीजों को हलाल किया है वो गंदी नहीं है। एक शोहर अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है और बीवी जो है वो अपने शोहर से लुत्फंदोज होती है, तो ये गंदी चीज नहीं है, ये तो अल्लाह ने हलाल की है, ये तो हलाल है, तय्यब है। लेकिन नफ्स उसकी तरफ नहीं जाता, इसे जब लत पड़ जाती है तो अपनी बीवी पर भी कनात नहीं कर सकता, ये अपनी बीवी पर कनात नहीं कर सकता, इधर उधर झांकता रहता है। बीवी भी अगर नफ्से अम्मारा वाली है तो अपने शोहर पर कनात नहीं कर सकती, इधर उधर वो झांकती रहती है, और आगे ताल्लुकात भी बन जाते हैं। लेकिन अगर नफ्से मुतमईन्ना हो जाता है तो नफ्से मुतमईन्ना फिर इस किस्म की गंदी घटिया चीजों की तरफ मुल्तफित ही नहीं होता, बल्कि कराहियत महसूस होती है उसे, वो भागता है ऐसी चीजों से। और उसकी तबीयत जो है फिर अच्छी चीजों की तरफ होती है। हजरत डॉक्टर अब्दुल्लाही आरिफी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है, नफ्स ये फी नफ्स से ही हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन तो हमारा एक ही है, वो कौन है? शैतान। इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिज़ूहु अदुवा, शैतान तुम्हारे लिए दुश्मन है, बस तुम उसे दुश्मन बना के रखो। ये अजली अबदी दुश्मन है, इसके दिल में से दुश्मनी कभी नहीं जाएगी, ये तुम याद रख लो। कुरान ने कहा इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिज़ूहु अदुवा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानों के साथ मामला होता है, और इंसानों के अलावा शैतान के साथ भी मामला होता है, वो गायब है मगर उसके साथ भी हमारा मामला तो पड़ता है, तो दुश्मनी उसके साथ भी है हमारी, उसकी हमारे साथ दुश्मनी है, और बाकी इंसानों के साथ भी दुश्मनी कभी कभी हो जाती है, चूंकि मामलात होते हैं। तो शैतान के साथ भी हमारी दुश्मनी है, और शैतान के अलावा इंसानों के साथ चूंकि हम दुनिया में रहते हैं तो कभी गलत फहमी हो जाती है, कभी कज फहमी होती है, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसकी वजह से दुनिया में भी दुश्मनी हो जाती है। तो इंसानों के साथ भी दुश्मनी हो जाती है, कभी एक के साथ दुश्मनी है, कभी पांच के साथ, कभी दस के साथ, पंद्रह के साथ, बीस के साथ, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हर दुश्मन के साथ डील करने का तरीका क्या बताया? ये नहीं कहा कि कुछ इंसान ऐसे होंगे कि तुम्हारे दुश्मन होंगे, उनको तुम दुश्मन बना के रखना, नहीं कहा कि इदफा बिल्लती ही अहसन, ये कहा कि वो अगर बुराई का मामला करे तो तुम अच्छाई का मामला करना, इसलिए कि बुराई का मामला करने वाले के साथ
अगर तुम अच्छाई का मामला करोगे और उसकी तबीयत में सलामती हो तो फ़ैज़ल्लज़ी बैनका व बैनहू अदावतुन, तो वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, कअन्नहू वलीयुन हमीम, गोया के वो पक्का दोस्त होगा, गोया के वो पक्का दोस्त है। इसका मतलब यह है कि उसकी फितरत में सलामती है तो शुरू शुरू में ऊपर ऊपर से प्रिटेंड करेगा कि मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत, आप अखलाक से मिलते हैं, मैं भी अखलाक से, कान्नहू वलीयुन, गोया के वो गर्म जोशी वाला दोस्त है। और उसके बाद वाला दर्जा क्या है कि शुरू में वो प्रिटेंड करेगा ऊपर ऊपर से, फिर हकीकत में वलीयुन हमीम हो जाएगा। तो अल्लाह ताला शानहु ने कुरान में दुश्मन के साथ निमटने का ये तरीका बताया कि उसकी बुराई के बदले में तुम उसके साथ अच्छाई का मामला करो, लेकिन शैतान के बारे में ये नहीं कहा, इन्ना शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा, उसे तुम दुश्मन ही समझना। वो पैतरे बदल कर अगर अच्छाई लेकर के भी आए तो तुम्हें समझना चाहिए कि इस अच्छाई के अंदर बुराई छुपी हुई है, ये मेरा दोस्त नहीं हो सकता। कुछ लोग बैठे हुए थे एक दीवार के साथ टेक लगाकर, एक शख्स आया और उसने कहा कि उठो 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 जल्दी उठो जल्दी उठो, और उसने उनको उठाया, बस उठना ही था कि दीवार गिरी। उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप कौन है, कहां से आए? तो उसने कहा कि मैं शैतान हूं। कहा कि शैतान और भलाई का काम करे? उसने कहा मैं शैतान हूं। कहा शैतान और भलाई का काम? तो उसने कहा कि मैं भी तो उस माहौल में रहा हूं ना, मैं भी भलाई वाले माहौल में रहा हूं, ऊपर आसमानों में मेरी भी जिंदगी भलाई के कामों में गुजरी है, तो कभी कभी रगबत हो जाती है तो कर लेता हूं। मगर ये जो जमात बैठी हुई थी उनमें एक आरिफ भी था जो समझता था कि ना शैतान कभी भी भलाई का काम नहीं कर सकता। तो इसरार किया कि नहीं सच बताओ। तो जब बहुत इसरार किया तो कहा कि मैंने तुम लोगों को इसलिए उठाया कि मुझे अंदाजा हो गया कि ये दीवार किसी वक्त भी गिरने वाली है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुझे याद आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिबुल हदम शहीदुन, जो दीवार के नीचे दबकर मर जाता है वो शहीद होता है। तो तुम लोगों को मैंने शहादत से महरूम कर दिया। काम तो बहुत अच्छा था मगर देखो कितना बुरा काम किया, मैंने शहादत से तुमको महरूम कर दिया। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी मसनवी में एक बुजुर्ग का वाकिया लिखा है कि शैतान ने उन्हें थपकी दे देकर सुलाए रखा और फजर की नमाज उनकी फौत हो गई, तहज्जुद की नमाज फौत हो गई, तहज्जुद की नमाज उनकी फौत हो गई। तो उन्हें बड़ा गम हुआ कि आज मेरी तहज्जुद की नमाज फौत हो गई, और पूरा दिन उनका गम में गुजरा। कभी कभी अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु गम और हसरत पर वो चीजें अता फरमाते हैं जो अमल के फौत होने पर जो गम और हसरत होती है उस पे वो नेमतें अता फरमाते हैं रूहानी, जो उस अमल के करने पर भी ना मिलती। बहुत अफसोस और दुख हुआ और पूरा दिन जो है वो इसकी मैं मिसाल दूं आपको। एक उस्ताद है, दूसरा शागिर्द है, बाप है या बेटा है, बाप को बेटे से मोहब्बत है, मोहब्बत है बाप को बेटे से, और बेटे से कोई गलती हो गई, बेटे से गलती हो गई, बेटे को भी बाप से बहुत मोहब्बत है, गलती हो गई तो बाप ने थोड़ी नाराजगी का इजहार किया, इसका इतना असर लिया बेटे ने, इतना असर लिया कि खाना पीना छूट गया, नींद नहीं आ रही है, तबीयत पे बेइंतहा असर। तो दो एक दिन के बाद मां बेटे के बाप से कहती है कि तुम क्यों नाराज है उससे? तो कहा उसने फुना काम नहीं किया,
मैं इस्लाह कर रहा हूं उसकी, जरा नाराज होकर उसकी तरबियत कर रहा हूं, तो क्या आप अब माफ कर दीजिए। उस पर तो इतना असर है कि वो दो दिन से खाना नहीं खा रहा है, कुछ पीना भी नहीं पी रहा है। ये गलती अगर न होती तो बाप को एहसास ही न होता कि मेरे बेटे को मुझसे मोहब्बत कितनी है। अब जो है कुर्ब और बढ़ गया, और बढ़ गया कुर्ब। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु भी अपने बंदों से कभी कभी ऐसी गलतियां करवाते हैं, और गलतियों के बाद अल्लाह के इल्म में तो है कि किस दर्जे का इल्म है, मगर उसके लिए दलील वजूद में आती है कि इतना वो परेशान होता है और इतना गम का इजहार करता है और अंदर से इतनी हसरत उसे होती है कि उसके मकामात बहुत बुलंद होते हैं फरिश्तों की नजरों में। दूसरे दिन ये सो गए रात को, तहज्जुद के वक्त देखा कि कोई जगा रहा है, बहुत खुश हुए कि तहज्जुद के वक्त आंख खुल गई और आंखें खुल गई और कोई जगा रहा है। कहा भाई तुम कौन हो? तो कहा बस ये मत पूछिए, आपका खैरखा हूं। मगर वो समझ गए कि शैतान है, इसलिए समझ गए कि दरवाजे तो चारों तरफ से बंद है, अंदर आया कैसे? तो उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर कहा कि सच बता, तू शैतान है? तो बहुत इसरार के नतीजे में उसने कहा कि जी हाँ मैं शैतान हूं। तो कहा कि ये खैर का काम, तहज्जुद के लिए जगाना। कहा कि बस तुमको कल परेशानी के आलम में देखा, पूरा दिन तुम बड़े परेशान रहे, तुम्हारी तहज्जुद की नमाज फौत हो गई थी, तो दिल पर उसका बहुत असर हुआ, बहुत दुख हुआ, तो मैंने सोचा कि आज आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो भी समझते थे, उन्होंने कहा कि ना तू खैर का और भलाई का कोई काम कर ही नहीं सकता, इसके पीछे है क्या? तो उसने कहा कि रोजाना आप तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, उससे आपका दर्जा अल्लाह की बारगाह में बुलंद होता था, तो मैंने सोचा कि तहज्जुद की नमाज फौत हो जाएगी तो वो दर्जा बुलंद नहीं होगा, फिर कल भी फौत कराऊंगा, परसों भी फौत कराऊंगा, तो ये दर्जे जो रोजाना बुलंद हो रहे हैं वो नहीं होंगे। लेकिन मैंने देखा कि रोना धोना इतना रहा कि तुम्हारे दर्जे तो तहज्जुद के पढ़ने के नतीजे में दर्जे जितने बुलंद होते थे उससे बहुत बुलंद हो गए। तो मैंने गौर किया कि तहज्जुद पढ़ने पर इनके कितने दर्जे बुलंद होते थे और तहज्जुद छूटने पर रोने धोने के नतीजे में कितने दर्जे बुलंद हुए, तो मुझे आफियत इसी में नजर आई कि आप तहज्जुद पढ़ लिया करें, इसने मैं जगाने के लिए आया हूं। इन्न शैतान लकुम अदुवुन फत्तखिदूहु अदुवा, उसे तो दुश्मन ही बनाना। इन्न शैतान लिल इंसान अदुवुन मुबीन, खुल्लम खुल्ला दुश्मन है इंसान का शैतान। और ये नफ्स जो है, नफ्स ये नफ्स अम्मारा तो बिगड़ता है तब नफ्स अम्मारा होता है, और नफ्स मुतमईना होता है तो ये अच्छा होता है। तो बच्चा जब दुनिया में आता है तो बिल्कुल साफ सुथरा आता है, तो नफ्स उसका नफ्स अम्मारा मुतमईना होता है, फिर माहौल की वजह से बिगड़ता है, बुरी बुरी आदतें पकड़ता है, बुरे बुरे काम करता है, और वो नफ्स नफ्स अम्मारा बन जाता है। और जब नफ्स अम्मारा बन जाता है तो ये है तो हमारा दोस्त, हमारा नफ्स दोस्त है, मगर बिगड़ जाने की वजह से दुश्मन हो जाता है। जैसे किसी का बेटा जब वो बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पे पड़ जाता है, तो मां बाप कहते हैं कि ये पता नहीं ये दुश्मन हमारे पेट से कैसे पैदा हुआ, वो बिगड़ जाते इसलिए वो दुश्मन हो जाता है। और चूंकि इसकी अकल जो है काम नहीं करती है, बिल्कुल ये नादान होता है, तो शैतान जो है बहुत होशियार और चालाक, वो इसको इस्तेमाल करता है। और जब हम मेहनत करते हैं तज़किया की, इसलाह की, उस मेहनत के नतीजे में ये नफ्से अम्मारा जो है नफ्से लवामा के मकाम तक तरक्की करता है, और फिर नफ्से लवामा से नफ्से मुतमईना तक तरक्की करता है। जब ये नफ्से मुतमईना बन जाता है, नफ्से मुतमईना, अब ये बहुत होशियार और जहीन हो जाता है, ये शैतान की हर चाल को जानता है। अब पहले वो उसके लिए आलईकार था, अब ये हमारे लिए आलईकार है, हमारा ताउन करता है ये। तो डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नफ्स जो है, नफ्स
उसकी तबीयत, उसका नेचर, उसकी खासियत है इस्तिलज़ाद, लज्जत हासिल करना। उसको किसी दूसरी चीज से सरोकार नहीं, लज्जत हासिल करना। शैतान को किससे सरोकार है? हमसे गलत काम करवाना। हम वो काम करें जिन कामों से अल्लाह नाराज हो, नंबर एक। नंबर दो, अगर हम अच्छा काम करने पर तुल जाएं तो फिर हमारी नीयत को खराब करना, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटाना, अगर उस पर भी हम तुल जाएं कि नहीं सुन्नत तरीके के मुताबिक ही करेंगे और इखलास के साथ करेंगे, तो फिर हमारे पास दो काम होते हैं, एक अफजल और एक मफजूल। तो हमें मफजूल में लगा देता है ताकि हमें हमारी तरक्की कम हो, सवाब कम हो। ये उसका मिशन है, हमारी तरक्की नहीं होने देता वो। उसे इससे कोई सरोकार नहीं कि गुनाह करने वाला चोरी करे, गुनाह करने वाला झूठ बोले, गुनाह करने वाला जीना करे, गुनाह करने वाला, उसे कोई सरोकार नहीं। अगर गुनाह करने वाला जीना करता है तो वो खुश होता है, लेकिन ये गुनाह करने वाला अगर फल फ्रूट खाकर लज्जत हासिल करता है, ये अपनी बीवी से सोहबत करके लज्जत हासिल करता है, तो शैतान खुश नहीं होता। वो तो बस इतना देखता है कि इसका ये अमल जन्नत की तरफ ले गया या जन्नत से पीछे रखा इस अमल ने, बस इस पर वो खुशी और गमी का इजहार करता है। और नफ्स का क्या हाल है? नफ्स को इससे कोई सरोकार नहीं कि ये अमल मुझे जन्नत की तरफ ले जा रहा है या जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। उसे सरोकार है लज्जत से, लज्जत से। इसलिए अगर नफ्स को केला खाने में मजा आता है, केला खाने में, तो केले की तरफ जाएगा, मगर शैतान किसी को केला खाने की तरफ नहीं ले जाएगा। नफ्स जीना की तरफ भी जाएगा अगर उसे लज्जत आए, और शैतान भी जीना की तरफ ले जाएगा, इसलिए कि उसमें उसके मिशन की कामयाबी है। लेकिन अगर नफ्स केला खाने की तरफ जा रहा है तो शैतान उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। केला खाने की दिल में चाहत है नफ्स की, उससे वो फायदा उठा सकता है कि केला खाने की लज्जत है, तो वो वरगलाता है कि हां केला खाना चाहिए, हां केला खाना चाहिए। नफ्स को वरगलाता है, क्यों? इसलिए कि शैतान को ये नजर आ रहा है कि इसके घर में केले है नहीं, और केले खरीदने के लिए इसके पास पैसे है नहीं, लिहाजा चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो ये जहन्नम से पीछे आएगा। दोनों की दिलचस्पियों में फर्क समझ में आया जी? शैतान की दिलचस्पी सिर्फ ये है कि जन्नत से दूर रहे और जहन्नम के करीब आए, जबकि नफ्स की दिलचस्पी जन्नत जहन्नम से कोई उसे शैतान को लज्जत से सरोकार नहीं, उसे सिर्फ सरोकार इससे है कि जन्नत से दूर आए और जहन्नम से करीब। और शैतान को, नफ्स को इससे सरोकार नहीं कि कौन सा अमल मुझे जन्नत में ले जाएगा, कौन सा अमल मुझे जहन्नम में ले जाएगा। उसे सरोकार है लज्जत से, लज्जत। अगर एक शख्स है उसे फल फ्रूट खाने में लज्जत आ रही है, फल फ्रूट खाने में, और म्यूजिक में उसको इतनी लज्जत नहीं आ रही है, ये आदि हो गया है फल फ्रूट का, तो उस वक्त अगर आप उससे कहेंगे कि चलो यार म्यूजिक सुनते हैं, वो मना करेगा। वो नफ्स अंदर से, नफ्स जाएगा फल फ्रूट की तरफ, वो लज्जत को चाहता है। लेकिन अल्लाह ताला शानहु ने हमारी आजमाइश के लिए, नफ्स के लिए, बहुत सी नाजायज चीजों में भी लज्जत रखी है। तो डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि नफ्स की खासियत, नफ्स की तबीयत, नफ्स का नेचर इस्तिलज़ाज है, लज्जत को तलब करना। तो उस पर मेहनत करो तज़किया की, तज़किया की। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सही मेहनत करें। जैसे मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने ये समझ दी है, उसने ये फिक्र दी है, लेकिन जैसी मेहनत करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत करें, और मेहनत करके इस नादान नफ्स को, जो कि अम्मारा है, मुतमइन्ना बनाकर होशियार बना दे।
और जब ये होशियार बन जाता है तो उसे फिर लज्जत आती है नमाज में, उसे लज्जत आती है तहज्जुद में, उसे लज्जत आती है लंबे लंबे क़याम में, उसे लज्जत आती है कुरान की तिलावत में, उसे लज्जत आती है जिक्रुल्लाह में। अब उसे होशियार हो गया है तो वो गंदी चीजों में लज्जत नहीं आती। जैसे एक सियाना आदमी, होशियार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी, वो कभी भी ड्रग की तरफ नहीं जाएगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। कितने बेगंदी चीज है। बहुत से गैर मुस्लिम भी शराब को हाथ भी नहीं लगाते, ये गंदी चीज है। ऐसी चीज को पीकर क्या करें जो अकल को माउफ कर देती है। तो डॉक्टर अब्दुल आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तज़किया की मेहनत करो, नफ्स की इसलाह करो, बीमार नफ्स को तंदुरुस्त बना दो, नादान नफ्स को सियाना बना दो, मच्योर बना दो। इसलिए कि उसे सरोकार लज्जत से है, और एक मरतबा उसे अल्लाह की ताअत में लज्जत आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसे मुंह मार करके पड़ा रहेगा, किसी दूसरी चीज की तरफ इल्तिफात ही नहीं करेगी। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। तो ये जो खानकाहें हैं, ये जो तज़किया के प्रोग्राम हैं, ये जो एक निजाम है कि हम किसी को अपनी इस्लाह के लिए शेख मुंतखब करते हैं, उसके हाथ पर बैयत होते हैं, बैयत होने के बाद वो जो अज़कार हमें बतलाते हैं उन अज़कार को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, करते हैं। तो ये जो है, ये जो नफ्स है ना, नफ्स गंदा, ये जो गंदगी में पड़ा हुआ नफ्स है, उसे हम अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश में होते हैं, इसे हम गंदे नफ्स को साफ सुथरा बनाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। और चूंकि शैतान जो है वो पोशीदा है, उसकी चालों को हम नहीं समझ सकते, बड़ा होशियार और चालाक होता है, उसकी चालें हम नहीं समझ सकते, और नफ्स भी बहुत चालाक, बहुत होशियार होता है, नादान मगर अपनी चीज हासिल करने में बड़ा पक्का होता है, वो बड़ा होशियार। तो ऐसी ऐसी पट्टी पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे वसवसे डालेगा, ऐसे ऐसे ख्यालात लाएगा, तो शैतान भी ख्यालात डाल रहा है, नफ्स नफ्से अम्मारा है वो भी ख्यालात डाल रहा है। अब दोनों ख्यालात डाल रहे हैं, और ये पोशीदा दुनिया है, हिडन वर्ल्ड है, अनसीन वर्ल्ड है, जिससे हम लोग बिल्कुल वाकिफ नहीं, और इस दुनिया से हमारा शेख वाकिफ होता है, इसलिए कि वो उस दुनिया से गुजर कर निकला है, वो अपने शेख की सरपरस्ती में उस दुनिया से गुजर कर निकला है। उसका नफ्स भी किसी जमाने में नफ्से अम्मारा होगा, और फिर नफ्से मुतमईन ना बना है, इसलिए वो जानता है कि शैतान किस किस तरह मकरो फरेब से काम लेता है, और नफ्स भी कैसे अपने मकाइद की जाल में फंसाने की कोशिश करता है। और फिर वो चूंकि अल्लाह वाला होता है, शेख अल्लाह वाला, वो मुखलिस होता है, उसे अपने मुरीद से दूसरी कोई गर्ज नहीं, वो ये समझता है कि ये मेरा मुरीद जो मुझसे अपनी इसलाह कराने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं इसका ताउन करूं, इसकी रहनुमाई करूं, और इसकी अगर इसलाह हो गई, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला शानहु इसकी इसलाह की बरकत से कियामत के दिन मेरे ऊपर रहम फरमा दे। वो आखिरत को सामने रख करके मेहनत करता है, इसलिए वो चूंकि सिर्फ आखिरत को मकसद बना करके हमारे पीछे मेहनत करता है, इसलिए अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम नवालुहु नफ्स और शैतान के मख्फी मकाइद को और मख्फी झांसों को उसके ऊपर इल्का फरमाते हैं, और उनको इल्का फरमाकर फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु वाम नवालुहु इलाज भी उस पर इल्का फरमाते हैं। उसकी जुबान से कभी कभी ऐसा कोई जुमला जारी फरमा देते हैं जो दिल को लगता है, सीधा तीर निशाने पर लग जाता है, और इंसान जो है वो नफ्स और शैतान के मकर से बचने का फैसला कर लेता है, और कमर बांधकर खड़ा हो जाता है और मुकाबला कर लेता है। और ये जो लड़ाई हो रही है नफ्स और शैतान, नफ्स और ये नफ्स की नफ्स के साथ और शैतान के साथ, नफ्स के साथ और शैतान के साथ, ये इस तगोदो में, इस जंग में एक वक्त आता है कि इंसान जीत जाता है, उसका नफ्स जो है वो नफ्स मुतमईना हो जाता है, और जब नफ्से मुतमईना हो जाता है तो दोस्त हो जाता है, और वो शैतान तो दुश्मन ही रहेगा, मगर अब जो अंदर का भेदी था
जिसके साथ वो कोलाबोरेट करके, जिसके साथ मिल करके वो हमें गुमराह करने की कोशिश करता था, अब वो बात नहीं होती। अब वो बाहर बाहर से कोशिश करता है। जैसे इनमें शैतान इधरी मिनरल इंसान मजरत दम, वो जिसम में भी दौड़ता है मगर अब उसका कोई साथी नहीं है, उसका ताउन करने वाला कोई नहीं, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। इसलिए अब जो है सिराते मुस्तकीम पर जमना आसान हो जाता है। तो अल्लाह ताला शानहु हमें ये तज़किया जो है तज़किया का काम, इसकी अहमियत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, इसकी जो सूझबूझ अल्लाह ने हमें अता फरमाई है इसे सीरियस लेने की तौफीक दे, और सीरियसनेस के साथ इस राह में मेहनत करने की हमें तौफीक दे। इस सिलसिले में जो है अपने शेख के साथ बराबर मरबूत रहना चाहिए, मजलिसों का बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए, और मजलिसों में जब भी जाएं अपने शेख की मजलिस में तो अजमत के साथ जाना चाहिए, मोहब्बत के साथ जाना चाहिए, अकीदत के साथ जाना चाहिए, अदब के साथ जाना चाहिए, तलब के साथ जाना चाहिए, और मोहताज बनकर जाना चाहिए कि मैं मोहताज हूं और बस मोहताज हूं। हो सकता है कि इस मजलिस के बाद मेरा इंतकाल हो जाए, हो सकता है इस मजलिस के बाद मेरे शेख का इंतकाल हो जाए, बस मेक इट और ब्रेक इट, यही एक मजलिस है। इसी से मुझे ये जब तड़प होगी और तलब होगी और एहतियाज होगा तो फिर पूरी तवज्जो के साथ सुनेगा, अजाइम भी करेगा और फिर फैज मिलेगा। हाँ, जब इरादे बनते हैं अंदर तो ये अलामत है इस बात की कि शेख का फैज पहुंच रहा है। इरादे बनते हैं तो इरादा बनता है कि नहीं मुझे यार कुछ करना चाहिए, नहीं मुझे जिंदगी बदलनी चाहिए, नहीं तो शेख की सोहबत में बैठकर जब इरादे बनते हैं, अज्म पैदा होता है, तो ये दलील है इस बात की कि शेख का फैज पहुंच रहा है। मेरे हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक मलफूज बयान फरमाया था कि हजरत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फैजान शेख, शेख का फैज, फैजान शेख बसूरत हिम्मत नजर आता है, हिम्मत और करिज बूस्ट मिलता है तो समझो कि शेख का फैज मिल रहा है। और अगर ये शेख का फैज जो है, शेख का फैज वो थोड़ी देर में मुजमहिल हो जाए तो समझो कि फैज कम मिला है, और अगर ये घर तक रहे, एक दिन तक रहे और फिर मुजमहिल हो जाए तो समझो कि फैज कुछ ज्यादा मिला, और एक हफ्ते तक रहे तो समझो कि और ज्यादा मिला, और अगर महीने तक रहे तो समझो कि और ज्यादा मिला। ये शेख का फैज मिलता है मगर कितना मिलता है उसका मदार जो है, उसका मदार दो चीजों पर है। एक तो ये कि मुरीद मामूलात की कितनी पाबंदी करता है, जितनी ज्यादा मामूलात की पाबंदी करके आएगा नंबर एक, और नंबर दो इन छह चीजों में कैफियत कितनी है, अजमत कितनी है अपने शेख की, अजमत कितनी, मोहब्बत कितनी है अपने शेख की, अकीदत कितनी है अपने शेख से, और अदब कितना है अपने शेख का, अदब और तलब कितनी है, और खुद को मोहताज कितना समझता है। बस इन छह चीजों की कैफियत कितनी है और मामूलात की कमियत कितनी है, मामूलात मुकम्मल पूरे कर रहा है या नहीं धुन और ध्यान के साथ। इन दोनों में जितनी तरक्की होगी शेख से फैजान उतना ही मिलेगा। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। इतना ज्यादा बोलने का इरादा भी नहीं था मगर एक मजमून जहन में बैठ गया तो ख्याल किया कि इसको मैं पूरा ही कर लूं। अल्लाह ताला शानहु इसे समझने की तौफीक दे। मेरी सबसे पहले अपने नफ्स से दरखास्त है कि तज़किया की फिक्र कर, अपनी जात से तज़किया की फिक्र कर, इस्लाह की फिक्र कर, और उसके बाद आप सब दोस्तों से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सब भाइयों और बहनों से जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है बाद में पहुंचेगी, मेरी दरखास्त है कि बस कमर बांधकर खड़े हो जाओ और नियत कर लो, और जो मामूलात बतलाए गए हैं भूल गए हैं तो पूछ लो मामूलात, मुझसे पूछो, मौलाना अहमद साहिब से पूछ लो, मामूलात का पर्चा ले लो, और अगर याद है आपको कि आपको क्या करना चाहिए
तो आपसे जितना हो सकता है उतना शुरू कर दो, जिक्रो अजकार तिलावत, और फैसला कर लो कि कुछ भी हो जाए बस तज़किया हो जाए, आरजुएं खून हो या हसरतें पामाल हो, अब तो इस दिल को बनाना है तेरे काबिल मुझे। अगर हम तस्वीफ करते रहे कि आज नहीं कल, इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते, तो ये कल जो है कभी नहीं आती, कल कभी नहीं आती, टुमोरो नेवर कम्स, कल नहीं, ये डमी है, डमी। जैसे बच्चा रोता है और उसके मुंह में डमी रख देते हैं ना, बस इसी तरह जब हम कहते हैं कि कल, तो ये शैतान ने या नफ्स ने हमारे मुंह में डमी रख दी, और फिर कल जब होगा तो फिर डमी रख देंगे देंगे वो फिर कल। तो बच्चा रोता है, क्यों रोता है भाई, कि मुझे उठाओ, तो वो डमी रख देते हैं तो वो उठाने को भूल जाता है। बच्चा रोता है, क्यों रोता है, भूख लगी है, डमी रख देते वो भूख भूल जाता है। तो हम जो ये कहते हैं कि भाई नहीं अब तो कुछ करना चाहिए, तो वो डमी रख देते कि कल, तो वो रह जाती है। फिर आइंदा कल फिर इरादा करते हैं तो वो डमी रख देता है कि कल, ये कल कभी नहीं आएगी। और सुबह उठते हैं तो फजर के बाद, इशराक के बाद, घर जाकर नाश्ते के बाद, ये भी डमी है, ये रोजाना की डमी है। तो कल वाली डमी भी होती है, और एक घंटे के बाद, दो घंटे के बाद, नहीं। अपना जायजा लो, बैठो, एक टाइम टेबल बनाओ कि इस वक्त दुनिया का काम करना है, इस वक्त दीन का काम करना है, और थोड़े से ही सही, बहुत थोड़े से ही सही, मगर शुरू कर दो। और शुरू करके अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह इतनी गंदगियों के बावजूद भी आपने फिर तौफीक अदा फरमाई, लेकिन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो अल्लाह ताला खूब इजाफा करेगा, खूब अल्लाह ताला उसमें इजाफा करेगा। वरना होता है ये है मेरे भाइयों कि नफ्स गंदा 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 गंदा, फिर ये गंदगी का कीड़ा जो होता है, जो पाखाने में रहता है, उसे अगर पाखाने में से निकाल कर किसी और जगह रखो ना तो वो मर जाएगा। तो गंदगी का इतना आदी हो जाता है ये नफ्स कि फिर उसे गंदे कामों को करते हुए शर्म नहीं आती, बल्कि वो बहुत खुश होता है अंदर से। अफसोस हसरत भी नहीं होती, खुश होता है, खुश होता है कि मैं ये गंदे काम कर रहा हूं, बड़ा मजा आ रहा है, कल फिर करने वाला हूं, एक हफ्ते के बाद फिर करने वाला हूं, ये काम फिर करना है, फिर करना है, वो उसे अफसोस या हसरत नहीं होती। और अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे, ऐसे शख्स पर कुफ्र का खतरा होता है कि कहीं और ज्यादा गंदा न हो जाए, और ये जो कुफ्र है और शिर्क है, जो बहुत ही गंदी चीजें हैं, कहीं इनको भी अच्छा समझने न लग जावे, और मौत के वक्त भी खतरा रहता है। अल्लाह ताला शानहु तज़किया की हमें सच्ची तौफीक अता फरमावे, सच्ची हिम्मत अता फरमावे, और हमें मेहनत करने की तौफीक दे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं कि जहां हर किस्म की आजादी है और हर सहूलत हमें मयस्सर है। इल्म हासिल करना चाहे तो इल्म भी मिल जाता है, तज़किया कराना चाहे तो उसके लिए भी मुल्क भर में सुलह माशाल्लाह मौजूद है। कहीं ऐसा न हो कि हमने हमारे मशाइख की कदर नहीं की, और कल हम चाहें फिर भी हमें न मिले ऐसे लोग, और ऐसा न हो कि अफरा तफरी ऐसी हो जावे कि हम करना चाहें फिर भी न कर सके। सीरिया की अफरा तफरी आपने देखी कि नहीं, सीरिया में कैसी अफरा तफरी हो गई, यमन में देखो कैसी अफरा तफरी इस वक्त है। तो वहां के रहने वाले लोग अगर कुछ करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, किस शेख के पास जाएंगे, क्या जिक्र अजकार करेंगे, जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर कोई करना ही चाहे तो ऐसे हालात में भी कर सकता है आदमी, अल्लाह की तरफ से रहमतें हर शख्स पर उतरती है, मगर उसकी तरफ जहन ही नहीं जाता। तो इसलिए हमें अल्लाह की नाशुक्री नहीं करना चाहिए। बस एक आयत पढ़ता हूं और उसके बाद खत्म कर देता हूं। अल्लाह ताला शानहु इरशाद फरमाते हैं, धरब अल्लाह मसलन करियतन, अल्लाह ताला शानहु बतौर मिसाल के एक बस्ती को बयान करते हैं कि उस बस्ती में कानत आमिनतन, अमन था, उस बस्ती में रहने वालों को अमन था, बिल्कुल पीस, मुतमईन नतन, अमन भी था, कोई खौफ नहीं था, मुतमईन नतन, बिल्कुल सुकून, याती हा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ली मकान, खुशगवार रोजी
चारों तरफ से आती थी, लेकिन इस खुशगवार माहौल में रहकर उनको अल्लाह से अपना जो ताल्लुक जोड़ना चाहिए था वो उन्होंने नहीं जोड़ा। फकफरत बेन उमिल्ला, उन्होंने अल्लाह की इन नेमतों की नाशुक्री की, अमन का गलत फायदा उठाया, इत्मीनान और सुकून का गलत फायदा उठाया, जो चारों तरफ से रोजी आ रही थी उसका गलत फायदा उठाया और अय्याशी में पड़ गए। उनके नुफूस जो है वो अम्मारा हो गए और अल्लाह के इनकार तक पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ, फअज़ाकहल्लाहु लिबासल जूई वल खौफ, अल्लाह ताला शानहु ने उनको चखाया भूख और खौफ का मजा, भूख और खौफ का मजा, बिमा कानू यसनऊन, उनके करतूतों की वजह से, उनकी हरकतों की वजह से। और इसमें फअज़ाकहल्लाहु लिबासल जू, अल्लाह ने उनको भूख का और खौफ का लिबास चखाया। लिबास, अब खौफ और भूख का कोई लिबास नहीं होता, तो लिबास क्यों कहा कुरान ने? तो हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लिबास का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि जैसे लिबास इंसान को ऊपर से नीचे तक घेर लेता है और ढांप लेता है, तो ऐसी शदीद भूख आई और ऐसा शदीद खौफ आया कि उसने पूरी बस्ती को ऐसा घेर लिया कि भूख को खत्म करने के लिए भी कोई सामान नहीं था और खौफ से बचकर अमन में आने के लिए कोई जाए पना नहीं थी। और उसके बाद फिर कोई चाहे कि मैं नफ्सी अम्मारा को नफ्सी मुतमईन ना बना लूं, फिर बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला शानहू हमें जितनी नेमतें अल्लाह की हैं उनकी शुक्र गुजारी की तौफीक अता फरमावे। आप सब हजरात माशाल्लाह आज ईशा के बाद इतनी ताखिर से मजलिस हुई, उसके बावजूद जैसे हर हफ्ते आते हैं उसी तरह आप हजरात आए। अल्लाह आप हजरात की इस अदा को पसंद फरमा ले और इसकी बरकत से अल्लाह ये तज़किया की राह पर डाल दे। मजालिस में, दीनी मजालिस में आते रहना चाहिए। ये पानी जो है वो गिरता रहता है तो किसी न किसी वक्त पौधा उगेगा इंशाल्लाह और वो किसी न किसी वक्त फलदार होगा। लेकिन सिर्फ सुनने पर इक्तिफा न करें बल्कि मेहनत भी करें और पूरे पैकेज को लें। पूरा पैकेज चाहिए। जब तक पूरा पैकेज ना हो, पेनेडोल जितनी चीजों से बनती है, जितने कंपोनेंट से बनती है, उसमें से अगर एक कंपोनेंट भी नहीं होगा तो सर में दर्द अच्छा नहीं होगा। वो तो जिन चीजों से बनाना चाहिए, चाय तब बनेगी जब चाय के सारे कंपोनेंट्स उसमें होंगे। अगर सारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो आना चाहिए, और चाय का वो जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह तज़किया का भी फायदा तब होगा जब उसके सारे कंपोनेंट्स पर अमल किया जाएगा। और वो क्या है? नंबर एक, हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम गुनाह न करें, और गुनाह अगर हो जाए तो हम फौरन तौबा कर लें। और गुनाहों से बचने के लिए हमें गुनाहों के जितने असबाब हैं उन सब से बचना चाहिए। बुरी सोहबत से, लायानी से, बुरे माहौल से हमें बचना चाहिए, बुरी दोस्ती से बचना चाहिए। पूरी कोशिश करें, कोई हर्ज नहीं। अगर जिंदगी में 100 गुनाह हो रहे हैं तो कोशिश करेंगे तो 2 तो छूटेंगे ना, 3 तो छूटेंगे ना। इन 3 की बरकत से और जो बाकी रह गए वो भी धीरे धीरे छूटेंगे। छोड़ना, गुनाहों से दूर रहें। और गुनाह जब भी गुनाह हो जाए, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह, आइंदा नहीं करूंगा, ये अल्लाह माफ कर दे। बस ये एक काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि अपने शेख के बतलाए हुए मामूलात पर जितना हो सके उतना शुरू कर दो। मुकम्मल अगर हो सके तो बहुत अच्छा, मुकम्मल नहीं तो कुछ न कुछ तो शुरू कर देना चाहिए। और जिनका अभी किसी शेख से ताल्लुक नहीं है वो रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान मजीद की तिलावत करें और कुछ न कुछ जिक्र कर लिया करें। हम कहते हैं कि 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ लिया करें, सुबहानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, बस इतना 100 मरतबा पढ़ लिया करें। और इस्तिग़फ़ार 100 मरतबा पढ़ लिया करें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। और 100 मरतबा 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, छोटे वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कुल मिलाकर के तकरीबन 15 मिनट का जिक्र है। और चलते फिरते भी आप हाथ में तस्बीह या वो काउंटर लेकर के पूरा कर सकते हैं, और एक साथ करना भी जरूरी नहीं, अलग अलग टाइम पर भी कर सकते हैं। और दिन में कोई वक्त मुकर्रर करो
और सूरतुल फातिहा से पढ़ना शुरू करो, एक सिपारा हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आधा पढ़ो, आधा नहीं तो क्वार्टर पाओ, वो भी ना हो सके तो एक रुकू एक पेज, इंशाल्लाह इतना तो हो जाना चाहिए, और इतना भी ना हो तो एक दो तीन आयतें पढ़ लो, मगर रोजाना इतना शुरू कर दो। और जो किसी शेख से बैयत है उनको चाहिए कि अपने शेख के मामूलात में से जितना आपसे हो सके वो उस पर अमल करो, और इसके अलावा फिर जो किसी शेख से बैयत नहीं है उनको चाहिए कि किसी ऐसे आलिम की सोहबत में जाकर के उसकी मजलिस में उसके प्रोग्राम में शरीक हो जाया करें जिसके बारे में दिल ऐसा कहता है कि बहुत नेक आदमी है, ये अल्लाह वाला आदमी है, ये बुजुर्ग आदमी है, हमारा दिल ऐसा कह रहा हो भाई, समझे। और जो बैयत है उनको चाहिए कि अपने शेख के पास अजमत के साथ जाना चाहिए और मोहब्बत के साथ जाना चाहिए, अकीदत के साथ जाना चाहिए और अदब के साथ जाना चाहिए, तलब के साथ जाना चाहिए और मोहताज बनकर जाना चाहिए। अगर ये कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शानहु जरूर फज़्ल फरमाएंगे। मन जद्द वजद, मन 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 तलब शैयन वजद वजद, जो शख्स किसी चीज की तलब पैदा कर लेता है दिल में और फिर उसके लिए कोशिश करता है तो वो जरूर पाता है, अल्लाह ताला शानहु जरूर मदद करते हैं। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله فانك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان وشركه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عيننا على تلاوة كتابك اللهم عيننا على تلاوة كتابك اللهم عيننا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين رحم کا کرم کا یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما یا رحم الراحمین صراط مستقیم پر چلنے کی چلانے کی جمنے کی جمانے کی توفیق عطا فرما یا رحم الراحمین ہمیں تزکیہ کی صحیح معنی میں فکر نصیب فرما اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے
ये अल्लाह हमारा तज़किया फरमा दे, ये अल्लाह हमारा तज़किया फरमा दे, इलाहल आलमीन हमारे नफूस को नफूसे मुतमइन्ना बना दे, इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा दे, हमारे दिलों को जिक्र से मुनव्वर फरमा दे, तेरी याद से मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिलों से गफलत को दूर फरमा दे, नेकियों की रगबत हमारे दिलों में पैदा फरमा और बुराइयों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा, ये अरहमुर राहिमीन, गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा, इलाहल आलमीन हमारे और गुनाहों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दे, ये अरहमुर राहिमीन, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा, नफ्स के मकाइद से हमारी हिफाजत फरमा, ये अरहमुर राहिमीन, ये दीनी मजालिस जो हमें मिलती है इलाहल आलमीन, ये आपका बड़ा करम है, इलाहल आलमीन बोलने वाले पर भी आपका करम है और इलाहल आलमीन सुनने वालों पर भी आपका करम है, इलाहल आलमीन इनको हमारे लिए मुफीद बना दीजिए, इलाहल आलमीन हक बात कहने की तौफीक अता कीजिए, इलाहल आलमीन इखलास के साथ कहने की तौफीक अता कीजिए, इलाहल आलमीन हम सबके कुलूब तक इन बातों को पहुंचा दीजिए, इलाहल आलमीन उसके असरात को हमारी जिंदगियों में मुरतब कीजिए, अरहमुर राहिमीन आप हमें अपने अवलिया में शामिल कर दीजिए, हमारे हमें अपने अवलिया में शामिल कर दीजिए, इलाहल आलमीन इलाहल आलमीन इसलाह की तज़किया की मेहनत के पीछे हमें लगा दीजिए, इलाहल आलमीन हमें इसलाह के पीछे मर मिटने की तौफीक अता फरमा दीजिए, इलाहल आलमीन नफ्स को चित करने वाला बना दीजिए, इलाहल आलमीन नफ्स को चित करने वाला बना दीजिए, नफ्स को चित करने वाला बना दीजिए, ये अरहमुर राहिमीन नफ्स को मगलूब कर दीजिए, हमें गालिब कर दीजिए, ये अरहमुर राहिमीन ये अरहमुर राहिमीन आप हमें वैसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं, ये अरहमुर राहिमीन इस्लाह नफ्स और तज़किया नफ्स के लिए जो जो कोशिशें यहां पर हो रही हैं, पूरे मुल्क में हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, इलाहल आलमीन सबको बार आवर फरमाइए, सबको बार आवर फरमाइए, इलाहल आलमीन सब मशाइख के फ्यूज में बरकतें पैदा फरमाइए और इलाहल आलमीन उनके फ्यूज को खूब आम और ताम कीजिए, इलाहल आलमीन उनके पास जाने वाले उनके मुतवस्सिलीन को ज्यादा से ज्यादा उनसे मुतमत्ते कीजिए, ये अरहमुर राहिमीन हमें गफलत से बचा दीजिए, इलाहल आलमीन हमें इलाहल आलमीन ये जो मजलिसें हमें मिल रही हैं ये क़ियामत के दिन हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाए, इससे हमें बचा लीजिए, इससे हमें बचा लीजिए, इससे हमें बचा लीजिए, ये अरहमुर राहिमीन आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगी हुई हर खैर अता कर दीजिए, जिन शुरूर से पनाह मांगी है आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन शुरूर से पनाह अता कर दीजिए, बीमारों को शिफा अता कर दीजिए, बीमारों को शिफा अता कर दीजिए, बीमारों को शिफा अता कर दीजिए, माजूरी से सबकी हिफाजत कीजिए, ये अरहमुर राहिमीन ये अरहमुर राहिमीन जो मुजी अमराज में मुबतला है उनको शिफाए कामिल आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता कीजिए, उनकी उम्रों में बरकत पैदा फरमाइए, इलाहल आलमीन जो ला इलाज बीमारियों में मुबतला है उन्हें भी मुकम्मल शिफा अता कीजिए, मुकम्मल शिफा अता कीजिए, उम्रों में सेहत में बरकत अता कीजिए, माजूरी से उनकी हिफाजत कीजिए, ए अरहमुर राहिमीन ए अरहमुर राहिमीन सब बीमारों को सब्र अता कीजिए और सब्र पर खूब अजर अता कीजिए, ए अरहमुर राहिमीन उनके दर्जों को बुलंद कीजिए, ए अरहमुर राहिमीन ए अरहमुर राहिमीन सबको उम्रों में बरकत देकर आमाल सालिहा की खूब तौफीक दीजिए, आपके वलियों में शामिल फरमा दीजिए, इलाहल आलमीन हम सबको अपने अपने वक्त पर हुस्न खातिमा नसीब कीजिए, इलाहल आलमीन कलमे वाली मौत नसीब कीजिए, अपनी रिदा वाली मौत नसीब कीजिए, अपनी विलायत खासा वाली मकाम सिद्दीकियत वाली मौत नसीब कीजिए, ए अरहमुर राहिमीन जिन जिन भाइयों ने बहनों ने दुआओं के लिए कहा है लिखा है जो हमसे उम्मीद रखते हैं जिनका मरहक बनता है जो हमसे ताल्लुक मोहब्बत रखते हैं खुसूसन हमारे माँ बाप असातिज़ा मशाइख मुहिब्बीन मुहसिनीन दोस्त अहबाब हाजरीन मजलिस शुरकाई मजलिस सभी के तमाम जायज़ नेक मकासिद को पूरा फरमा, अमन को आम फरमा, सलामती को आम फरमा, बरकतों को आम फरमा, इलाहल आलमीन शर से फितने से हमारी हिफाजत कीजिए, इलाहल आलमीन हमारी मस्जिदों की हमारे मदारिस की और इलाहल आलमीन हमारी खानकाहों की और इलाहल आलमीन हमारी दीनी तंजीमों की हमारी इस्लामी स्कूलों की इलाहल आलमीन जितने भी दीनी काम हैं जितने भी दीनी काम हो रहे हैं उन सब की हर किस्म के फितनों से हिफाजत कीजिए, हर किस्म के फितनों से हिफाजत कीजिए, हर किस्म के फितनों से हिफाजत कीजिए, ये अरहमुर राहिमीन हम सबको
हम सबको इलाहा आलमीन आपकी मर्जियात पर चलाइए, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक चलाइए। इलाहा आलमीन हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ जिन्होंने किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमा हक को समझा था, इलाहा आलमीन उनकी तालीमात के मुताबिक हमें चलाइए। ए अरहमुर रहीमीन, ए अरहमुर रहीमीन, सुन्नत सैया को जारी करने से हमारी हिफाजत कीजिए। इलाहा आलमीन हमें सुनन हसना को जारी करने वालों में शामिल कीजिए। ए अरहमुर रहीमीन, ए अरहमुर रहीमीन, जो मांगा वो भी अता कर दीजिए, जो नहीं मांग सके, मांगना चाहिए था वो भी अता कर दीजिए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।